अचार में तारने के लिए हमें मजीद चीजें चाहिए, जो कि ये हैं। ये मैंने सूखी हल्दी ली है, इनको मैंने इस शेप में काट लिया, और अदरक को। ये लहसुन चाहिए मुझे, जरा लहसुन अचार में ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ये पूरी एक बड़ी सी पूरी कट्टी लेके उसको छील कर और कुछ तरह लंबा लंबा काट लिया। मसालों में मुझे चाहिए लाल मिर्च, मैंने 1 टीस्पून लिए। ये मैंने सौंफ और जीरे को दर तरह सा पीस लिया, 2 टेबल स्पून है ये। ये मैंने राई को, 1 टेबल स्पून है राई को भी दर तरह सा पीस लिया। ये काला नमक 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून सफेद नमक है। अच्छा, ये बड़ी इलायची के दानों को निकाल कर मैंने पीस लिया, ये 1/2 टीस्पून है। इसके लिए मजीद चाहिए हमें, एक बड़ा सा गुड़ लिया है मैंने उसको पीस कर, और 3 डिश स्पून सिरके में भिगो दिया मैंने सुबह से शाम तक। पकाएंगे, पकाने के लिए मैं 1 डिश स्पून सरसों का तेल ले रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। सरसों के तेल में जो खुशबू होती है ना, वो खत्म करनी है। अब इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने काट के रखा था। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन भूनेंगे। इसमें हम जो ये कच्ची हल्दी है ये, और अदरक के पीसेस को डाल देंगे, इसको भी भूनेंगे। अब देखें इस तरह का हो गया, ये मैंने भून लिया अच्छी तरह, लाइट ब्राउन सा हो गया। देखिए लहसुन भी, अब इसमें मैं मसाले डाल, मसाले डालते ही इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमें सब्जी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना इतना होना चाहिए, हर हल्का सा शुभ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या आप 2 हफ्ते तक खा सकते हैं, जब ये ठंडा हो जाए तो इसको एक बॉटल में निकाल के और रख लें, और इसको पराठे के साथ, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा है ये चटपटा सा अचार है।